डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का धर्म परिवर्तन का निर्णय भारतीय इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसने करोड़ों लोगों की सोच और जीवन को प्रभावित किया। अंबेडकर ने हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और सिख धर्म की गहन समीक्षा करने के बाद आखिरकार बौद्ध धर्म को अपनाया। अब हम इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे कि अंबेडकर ने इन धर्मों को क्यों ठुकराया और बौद्ध धर्म को क्यों चुना। अब हम बात करते हैं अंबेडकर और हिंदू धर्म के संबंध के बारे में। अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था और उन्होंने बचपन से ही जातिगत भेदभाव का सामना किया। हिंदू धर्म में व्याप्त जाति व्यवस्था के कारण उन्हें शिक्षा, मंदिर, पानी और समाज में जगह नहीं मिली। वह मानते थे कि हिंदू धर्म के शास्त्रों में वर्णित जाति व्यवस्था दलितों को हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखने का प्रयास है। इसीलिए उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में जन्मा हूं लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। अब हम चर्चा करेंगे अंबेडकर के विचारों और ईसाई धर्म पर। ईसाई धर्म एक ऐसे धर्म के रूप में सामने आया जो सभी को समानता का संदेश देता है, लेकिन अंबेडकर को लगा कि ईसाई धर्म में भी जाति व्यवस्था का पालन किया जा रहा है। उन्हें लगता था कि यदि दलित ईसाई धर्म अपनाते हैं तो वे जातिवादी मानसिकता के गुलाम बने रह सकते हैं और उनके लिए यह कोई स्थायी समाधान नहीं होगा। अंबेडकर के लिए धर्म का उद्देश्य न केवल आध्यात्मिक स्वतंत्रता था बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी था, जो ईसाई धर्म में पूरी तरह संभव नहीं दिखी। अब हम बात करेंगे अंबेडकर और इस्लाम के बारे में। अंबेडकर ने इस्लाम का भी गहन अध्ययन किया। उनके अनुसार इस्लाम में सामाजिक बराबरी की बात तो की गई है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में और खासकर भारत में इस्लाम में भी जातिगत भेदभाव का पालन किया जाता था। इसके अलावा अंबेडकर को डर था कि इस्लाम अपनाने पर दलित मुसलमान कहलाएंगे लेकिन उन्हें वास्तविक सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। वे मानते थे कि धर्म परिवर्तन का उद्देश्य आत्मसम्मान और गरिमा होनी चाहिए, न कि केवल एक जाति को दूसरी जाति में बदलना। अब हम बात करेंगे कि अंबेडकर ने सिख धर्म को क्यों नहीं अपनाया। सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जो समानता, भाईचारे और प्रेम पर आधारित है, लेकिन अंबेडकर को लगा कि सिख धर्म का अधिकतर केंद्र पंजाब में है और दलितों के लिए इस धर्म में प्रवेश करना एक सीमित विकल्प हो सकता है। इसके अलावा अंबेडकर ने देखा कि सिख धर्म में भी कुछ हद तक जातिगत भेदभाव व्याप्त था, जो कि उनके उद्देश्य के अनुरूप नहीं था। अंबेडकर चाहते थे कि उनका धर्म परिवर्तन दलितों को एक नई पहचान और सामाजिक स्वतंत्रता दे, जो सिख धर्म में संभव नहीं दिखी। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को क्यों चुना। अंबेडकर को बौद्ध धर्म में वह स्वतंत्रता और समानता का संदेश मिला जिसकी वे तलाश कर रहे थे। बौद्ध धर्म का मूल संदेश था करुणा, अहिंसा और मानवता। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जाति और वर्ग भेदभाव को नकारा था और सभी इंसानों को समानता का संदेश दिया था। अंबेडकर ने महसूस किया कि बौद्ध धर्म न केवल उन्हें सामाजिक सम्मान देगा बल्कि दलित समुदाय के लिए एक नया मार्ग भी खोलेगा। गौतम बुद्ध के सिद्धांतों में जातिवाद का कोई स्थान नहीं था और अंबेडकर ने इसे एक ऐसे धर्म के रूप में देखा जो दलितों को नया जीवन और नया सम्मान प्रदान कर सकता है। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म अपनाने से न केवल दलित समुदाय को नई पहचान मिलेगी बल्कि वे मानसिक गुलामी से भी आजाद हो सकेंगे। अब हम निष्कर्ष की ओर आते हैं। संक्षेप में, अंबेडकर ने हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम और सिख धर्म की समीक्षा के बाद बौद्ध धर्म को चुना। यह निर्णय न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन का परिवर्तन था बल्कि यह भारत के करोड़ों दलितों के लिए एक प्रेरणा बना। अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में हजारों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया और अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन किया। उनका यह कदम एक ऐसा संदेश था जो समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है।